अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं सब भाई? इंशाल्लाह उम्मीद है सब भाई खैरियत से होंगे। नहीं जी दोस्तों, गर्मी अपने रुख पे जा रही है, जेठ है, फिर जेठ इस बार बताना तो है। पिछली बार भी जेठ लगा था पर इतना नहीं तपा था, लेकिन इस बार तो स्टार्टिंग से फुल टाइम तपा हुआ है और दो तीन दिन बल्कि हो गए हैं शदीद गर्मी पड़ रही है और टेम्परेचर दिन ब दिन ऊपर जा रहा है। और आज का जो टेम्परेचर मेरे ख्याल में 44 कुछ समथिंग इस तरह है और वीकेंड तक जाते जाते इतवार तक इसने 47-48 तक चले जाना है और अखीर गर्मी पड़। अपने कबूतरों को बहुत ज़्यादा सेव करें, उनको ठंडी चीज़ें दें, अर्के गुलाब फ्लोर का इसका पानी लाजमी दें, मल्टीविटामिन लाजमी यूज़ करवाएं। और इससे भी पहले जिन दोस्तों जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप भूल गए तो फिर नई वीडियो आपको तक नहीं नोटिफिकेशन थ्रू आएगी। और जो बात अच्छी लगे पिक कर ले, जो ना लगे उसको स्किप कर दें। तो ये जी दोस्तों अपडेट है थोड़ी सी, क्योंकि गर्मी फुल शदीद पड़ रही है, ठीक है। अपने जो ब्रीडर कबूतर हैं उनको भी मल्टीविटामिन लाजमी दें और एंटीबायोटिक के कोर्सेज भी लाजमी करवाएं, ताकि जारी बात है हर जगह आजकल काफ़ी बीमारियाँ फैली हैं लोगों के कुटों में, तो उससे बचाव करें और मल्टीविटामिन दें, ठंडे मशरूबात इनको दें, इमली का, आलू बुखारे का, इस तरह के जो सफ़ेद जीरा है इसका पानी भी हम बना के हफ्ते में एक या दो दफ़ा दे सकते हैं अपने जुड़ों वाले कबूतरों को, उड़ने वाले कबूतरों को भी एक दफ़ा दे सकते हैं। और बाकायदा मैं तो जेठ में तैयारी इस तरह करता रहा कि अर्के गुलाब और चुड़का ये दोनों को ले के 10 से 15 cc और 50 cc पानी के अंदर चने डाल के, और जब मैंने ट्रेनिंग करनी होती थी तो फिर मैं रात को भिगो के अर्के गुलाब और चुड़का उसमें डाल के और 50 cc पानी में डाल के और फिर चने उसमें भिगो देता था पूरी रात। और अगले दिन फिर सुबह मैंने जब अपने कबूतर को उड़ाना है, पहले उनको पटाना है, बाजा शाजा जो भी उनके अंदर है वो निकल जाए, उसके बाद फी कबूतर को मैं 5-5, 6-6, 3-3 जिसको जितने मैंने देने होते दे के मैं उड़ाता था। इससे ये है कबूतर को प्यास जल्दी नहीं लगती है, वो तलख नहीं होता और बड़ा ही शानदार रिजल्ट देता है, क्योंकि उसे उसके पोर्ट में जब दाना वगैरह खाना रहेगा ना तो ये समझे कि उसको बूस्ट करता है। और चने जो है पानी सप्लाई का भी बहुत शानदार काम करते हैं इस मौसम में, तो अंदर से ठंडा रहता है, जब ठंडा रहता है तो फिर कबूतर बहुत अच्छी परवाज देता है। और जो नए बच्चे हैं मैं फिर दोस्तों भाइयों से कहूँगा कि यार नए बच्चे जो है ना उनको काट लें, सरफड़ बच्चे मत छोड़ें, क्योंकि ये वो टेम्परेचर चल रहा है, मैं आपको एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूँ, जो बच्चा थोड़ा सा भी ज़्यादा जोर मार गया ना तो वो बच्चा आपका घर बैठ गया तो वो सीधा जल्दी होना ही नहीं है, और अगर हो भी जाता है तो फिर वो उड़ेगा नहीं जल्दी ना, क्योंकि उसने जितनी वो सख्ती झेलती है ना टेम्परेचर उस वजह से। तो कोशिश करें कि इस मौसम में तो अपने कबूतरों को ना लाजमी सेव करें और उनको अच्छी मशवरा दें और बच्चों को काट के छोड़ें, और काट के भी इस तरह छोड़ें 4 पर उनको दें और बीच में से 5-5 पर काट दें, ठीक है। जो कनियाँ झाड़ दें तो फिर उसको अगर 4 पड़ों पर वो ज़्यादा हिट मारता है फिर भी, फिर उसको 3 पर कर दें। और आज जो मैं आपको बच्चे का शो करवाने लगा हूँ, ये मैंने एक झोली फेरी थी, फैंसियों के नीचे रख दिया था, अगली झोली माँ बाप से करवाई है। और इसका भाई की स्टोरी थोड़ी सी कुछ इस तरह है, ये जेड स्टार्ट होने से पहले सिर्फ वो एक कली का बच्चा था, उसने पूरी की थी और दूसरी कली उसने फेंकी हुई थी, और 1.5 हफ्ते के अंदर वो 5-5, 6-6 घंटों पे खपे डला बच्चा आ गया था, आधे आसमान में ऐसे हिटे मार मार के उठता था, क्या शानदार नज़ारे देता था कि मैं कहता हूँ मज़ा आ जाता था उसको देखने का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इसी तरह 3 बजे उड़ा है, हालांकि अच्छी खासी धूप लगी थी, लेकिन बड़े कबूतरों के साथ खड़ा रहा और वो बैठा ही नहीं, फिर ना रात रह गया, और फिर किसी ने शायद नज़र रखी हुई थी, आ जाने चाहिए था उससे पहले कली झड़े बगैर 2-3 दफ़ा वो रातें रह के बाहर आ चुका था, लेकिन बस वो किसी की नज़र पड़ गई जिस जगह बैठा है वो किसी के काबू आ गए, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ था उसका। और टिट्टो काफ़ी इस बच्चे जैसा ही कलर था, लेकिन उसका वजूद इससे थोड़ा स्लिम था, इसकी तरह स्ट्रक्चर उससे थोड़ा अच्छा है, और मुझे यकीन है इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये उससे ही भी ज़्यादा अच्छा बच्चा है, इसीलिए भी इसने एक कली फेंक दी, मैंने बांध के भी नहीं छोड़ा इसको, मैं 2-3 कली का करूँगा, उसके बाद मैं इसको काटूँगा और 3.5 या 4 पर देके इसको छोड़ूंगा। अगर ये 4 पड़ों पे ज़्यादा हिट्टे मारेगा तो फिर मैं इसके 3.5 पर कर दूँगा, क्योंकि मैंने उड़ाना नहीं है, सिर्फ गिजाना है, क्योंकि ये टेम्परेचर जो पड़ रहा है ना, जिस बच्चे ने थोड़ा सा ओवरलोड दिया नहीं वो बच्चा आपका कहीं जा कर गिर के मर जाएगा, जितनी गर्मी पड़ रही है। और लोगों के कबूतर इसी तरह हैं कि अब जी ज़्यादा जोर मारते हैं रात रहते हैं, जहाँ गिरते हैं मर जाते हैं, और ये न्यूज़ काफ़ी जगहों से आ रही है, बड़ी छतों वालों के वहाँ से भी मुझे पता लगा कि जी ये मामला चल रहे हैं। तो बहरहाल अपने कबूतरों को ट्रेनिंग अच्छी करें और चने और ये जो ठंडी चीज़ें ये इनको देंगे ना तो वो फिर सेफ रहेंगे, और फिर तो के दौरान भी उनको ये चीज़ें लाजमी यूज़ करवाएं। अभी गर्मी जितना टेम्परेचर पड़ रहा है ना तो ठंडी चीज़ें देने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं उनको पड़ता, बल्कि वो अंदर से ठीक रहते हैं।
लें दोस्तों, आइए इसका मैं आपको शो करूँ। लें दोस्तों, ये इसकी आइज़ का शौक करें। माशाल्लाह देखें कितना आउटला ज़बरदस्त और शानदार है। आइज़ देखें कैसे बिल्कुल पलकों के अंदर फिक्स है, बिल्कुल फिक्स है इसकी आइज़ जो है ना पलकों के अंदर, ये देखें। और हल्की सी इसकी जो है ना रेडनेस है इसकी आइज़ में, और रिंग शिंग माशाल्लाह बड़े क्लियर हैं। और जो बच्चा ज़ाया हुआ डिप्टो कापी इस सेम कलर था इसका ना, ये देखें पर देखें माशाल्लाह पार भी उसके टिट्टो काफ़ी थे इसकी। ये देखें ये एक कली इसने झाड़ दी है, जो एक कली इसने झाड़ी ना इसकी बगल की पहली कली के नीचे वो पूरी छुपी हुई थी। जितना मर्जी पार इस तरह मैं खोलता था, ये देखें इसकी जो दूसरी कली है वो भी आधी छुपी है, तो पहली कली बिल्कुल परों के नीचे थी। ये भी बहुत अच्छा साइन है एक अच्छे कबूतर का ना, परवाजी कबूतर का। और जो अच्छे परवाजी कबूतर हैं वही ब्रीडर में ब्रीडिंग में बहुत अच्छी प्रोग्रेस देते हैं। ये चीज़ का ये साइड का कुंदा है, ये देखें दूसरी साइड का कुंदा को परों की आप देख रहे होंगे, जो नीचे वाले पार हैं वो बाहर को जा रहे हैं और ऊपर वाले पर अंदर को गुलाई मार रहे हैं। मेरे मोस्टली जो बच्चे होते हैं जो कबूतर बड़े भी हैं जो उड़ते हैं ना, उनकी परों की शेप यही होती है, तभी तो वो माशाल्लाह इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं। और दुम शुम ये ज़रा अभी जो मेरी वजह से ना ज़रा खींच गया, तो वरना दुम बिल्कुल इसने सिमटी हुई थी। ये देखें इसको पकड़ लूँ ज़रा आगे से, ये ना वहाँ से निकल जाइए, देखें बिल्कुल बांटेल का है। अभी तो ये ज़रा थोड़ा सा हिला है तो इस तरह हो गई है, और हवा इतनी तेज़ और गर्म चल रही, लू चलना शुरू हो गई है, बहुत तेज़ लू है। और पंजे देखे माशाल्लाह क्या बात है, यही पंजे है ना, इसी तरह के पंजे मैं कहता हूँ होने चाहिए। ये देखे माशाल्लाह बहुत शानदार पंजे, और हड्डी हड्डी भी बहुत शानदार, पूरी बड़ी कश्ती नुमा हड्डी, और मुलायम जोड़ जोड़ भी बिल्कुल ऐसे बीच में ज़रा सा गैप है। मुझे इस तरह के जोड़ों वाले कबूतर बहुत पसंद है, क्योंकि इस तरह के जोड़ों वाले कबूतर मजबूत बहुत ज़्यादा होते हैं। यानी इसका पूरा व्यू शुरू से एंड तक लेता, पहले आइस का ले लो क्लोजअप, ले दोस्तों। मुझे कमेंट में ज़रूर दोस्तों मेरे भाइयों ने बताना है कि ये बच्चा आपको कैसा लगा है। और मुझे तो पता है क्योंकि मैंने इसका एक कली पूरी की और दूसरी कली आधी थी सर, और तीन बार कटे हुए थे, और क्या शानदार उसने एक डेढ़ हफ्ते में परफॉर्मेंस दिया कि मज़ा आ गया। अनफॉर्चुनेटली बस वो रात रहा तो किसी के हत्ते चढ़ गया, वरना वो बहुत शानदार बच्चा था। और ऐसे बच्चों को ना बच्चे जब आपने जाने अच्छे कबूतरों के अच्छे ब्लड लाइन के बच्चे जो है ना, जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़े ना तो आपको चाहिए कि उनको काट के रखें, काट के मतलब कि तीन तीन साढ़े तीन चार पर दें। अगर वो ज़्यादा हीटे मारता है तो फिर उसको साढ़े तीन कर दें, अगर फिर भी हीटे मारता है तो फिर उसको तीन पर कर दें। वो क्योंकि जितना पहले आप नीचे कर लेंगे ना, बच्चा पाँच छः कलियों तक हो जाएगा तो उसके गिजने के परफॉर्मेंस देने के उतने ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे जैसे फिर वो मेच्योर होता है वो उतना ज़्यादा अच्छे उसमें वापसियाँ आ जाती हैं। और मैंने बड़े ऐसे बच्चे अच्छे जो बहुत अच्छा उठते थे तो उनको काट के गोल करके इसी तरह बड़ा किया है, गिरते भी रहे हैं, बड़े हुए हैं, और मैं कहता हूँ अनथक परफॉर्मेंस दिए हैं और कमाल के ही रिजल्ट दिए हैं। तो ऐसे ही होना चाहिए, अगर आपने रिजल्टेड कबूतर अगले साल की तैयारी करनी हो तो पीछे से कबूतर लेकर आए, और कम से कम भी अपने जितने टूर्नामेंट होते हैं ना उसमें कोशिश करें कि डेढ़ से दो साल कबूतर तो लाजमी हो, और कम से कम अगर होगी तो एक साल हो, इससे कम नीचे ना हो। एक सीज़न पलटा वो आपका फटाफटी हो। नेचुरली तौर पे कबूतरों में फितरत है कि ये जी बच्चे वगैरह जब 10 साफ करते हैं ना तो ये अगर 6 घंटे उठते हैं ना तो ये 8 घंटों पे आ जाते हैं दाने के ऊपर से, और जब फिर हम अच्छी टेक केयर और ये चीज़ें करते हैं तो फिर 10-12 घंटों पे वो आराम से चले जाते हैं, क्योंकि सारी बात है। और सारी बात बीच में ब्लड लाइन की है, अगर आपके कबूतर की ब्लड लाइन अच्छी है, ब्लड लाइन स्ट्रॉन्ग है ना, और टेम्परेचर बढ़ने वाला कबूतर है, तो वो फिर चाहे वो उसकी हड्डी टेढ़ी है मेढ़ी है, उसके पंजे अच्छे नहीं है, उसकी बनतर अच्छी नहीं है, लेकिन उसका जो खून है ना उसे मजबूर करता है कि वो शामों तक उठे। और ऐसे ही उड़ते हैं लोगों के पास कबूतर, और बड़े बड़े शानदार कबूतर हैं कि बंदा कहता है कि यार क्या बात है, इतने ज़्यादा वजूद भी नहीं है, नॉर्मल वजूद हैं, और जेठ में शाम शाम बैठते हैं। तो वो क्या है, अंदर ब्लड उनके स्ट्रॉन्ग है, और ब्लड लाइन ही स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपकी कबूतरबाजी फेल है, आपका कबूतर फेल है, क्योंकि वो जितना मर्जी साइज़ में बड़ा है, जितना मर्जी वो जोड़ तांग है, जितनी मर्जी उसकी ऐसे खड़क वो चैनक गर्दन खड़ा हुआ है या वो सांप की तरह खड़ा हुआ है, सब फेल है। सबसे ज़्यादा जो चीज़ अंदर है ब्लड लाइन है, जो ब्लड स्ट्रॉन्ग होगा ना तो वो उसको मजबूर करती है परफॉर्मेंस देने पर। नहीं दोस्तों,
वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा बेबी पिजन। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, अपने परिंदों का ख्याल रखिए, इस मौसम में उनकी टेक केयर बहुत ज़्यादा करें क्योंकि गर्मी शदीद पड़ रही है। जो विंड वाले कबूतर हैं, जोड़ा वाले, उनको कवर कर लें ऊपर कोई भी चिखें डाल के, ग्रीन कपड़े डाल के, ताकि वो उनको धूप मिले लेकिन छावनी धूप मिले। और उनको ठंडी चीज़ें ज़रूर मशरूबात जो है बना के दें। और एक सबसे मेन चीज़, बोतलों के अंदर पानी मत रखें, क्योंकि बोतलों के अंदर पानी गर्मी में वो हीटअप हो जाता है। तो उसके लिए आपको चाहिए कि क्या नाम है, आप ना मिट्टी के जो बर्तन है ना, घड़े हो गए, कुंडियाँ हो गई मिट्टी की, उनके अंदर आप ना पानी बना के रखें। दोस्तों अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक और शेयर करें, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।